और अभी मैंने कोविड के बाद काफी रेगुलर किया रोज मैं सवा से डेढ़ घंटा प्राणायाम करता हूँ व्यायाम करता हूँ मेरा वजन 135 किलो था पचासी किलो पर आया 50 पचास किलो वजन कम हुआ है कितने साल लगे आपको ये कम? ये समझिए ग्यारह के बाद दो okay. हजार में मैंने ऑपरेशन किया था दो हजार दस में या ग्यारह में हुँ. ये बारह साल में मेरा कम हुआ है हुँ. और एक बात जरूरी कि मेरा खाने में वगैरह भी काफी नियमित है पहले मेरे कंट्रोल नहीं था अब मैं दो रोटी थोड़ा सा चावल सब्जी और सादा भोजन सुबह शाम करता हूँ और खाने में एकदम क्वांटिटी कम की है और मुझे प्राणायाम से बहुत अच्छा फायदा हुआ है मेरा लाइफ बदल गया है और मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं बहुत फिट हूँ तो आप ये जो फिट इंडिया जो है इट हैज बिकम अ बिग थिंग मोदी जी जो है वो योगा दिवस वगैरह उसको बहुत प्रमोट करते हैं आपने अपनी जिंदगी में जो ये किया है उससे कितना फायदा हुआ है आपको लगता है फायदा ही फायदा हुआ है मेरी पूरी जिंदगी पूरी अनप्लान इनडिसिप्लिन और खाने में कोई कंट्रोल नहीं था कैसे हो सकता है आर एस एस में रहे हैं आप तो वहाँ पे तो <laughs> एक्सरसाइज होती है शाखाएं होती है नहीं, फिर पर भी? वो मेरा बहुत उस समय पर अभी मैंने बहुत अच्छा लाइफ है मैंने काफी कंट्रोल किया पहले मैं पूरी प्लेट की प्लेट खाली करता था अभी मैं बहुत ये भी बीजेपी वालों के साथ बहुत है खाने के शौकीन बहुत होते हैं ना जेटली जी भी ऐसे ही थे अरुण जेटली उनके यहाँ भी पकवान पता नहीं कहाँ कहाँ से आता था आपके घर में भी तो आता है नागपुर में अब लोगों को खिलाते हैं आप खिलाते भी पर अब मैं सीमित खाता हूँ पहले जैसे अमरियात खाता था वैसे अभी मेरी नियत में कमी नहीं आई है नहीं। पूरी और आमरस रोज रात को मैं नए नए व्यंजन खाने में इंटरेस्ट रखता हूँ होटल में जाता हूँ कभी अलग अलग visit, मैं हाँ। पर खाता सब हूँ हाँ। जब मैं पहली बार आपसे मिली थी आप महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे आ, मैं आपको कंपैरिजन करने में पूछूंगी कि दिल्ली का जो भोजन है आपको इस दिल्ली के पकवान कौन से अच्छे लगते हैं सही बताओ तो दिल्ली में सब घर पर आलू पराठा और पनीर यही ज्यादा कॉमन होता है मुंबई जैसा फूड कहीं नहीं मिलता सच में हाँ मुंबई में सब प्रकार का फूड आधी रात को आपको मिलेगा हाँ। मुंबई इसमें जन्नत है हाँ। खाने के लिए मजा जो है इस असली मुंबई में। और आपके फेवरेट क्या होंगे मेरे बहुत फेवरेट है मुंबई हाँ। में मैं बहुत से होटल जब जाता हूँ रात को तो होटल रेस्टोरेंट में जाता हूँ खाना खाने के लिए पर वहाँ पे आपको सिक्योरिटी वगैरह का कोई प्रॉब्लम रात को ग्यारह बजे के बाद दो तीन पुलिस वाले चला जाता हूँ फुटपाथ पे खाना है स्ट्रीट फूड ही अच्छा है तो जरा रात को जरा रोश कम हो जाता है बंद होने के समय चला तो लोग पहचानते हैं आपको ऊपर आप पहचानते थोड़े बहुत तकलीफ होती है हाँ लेकिन आ, जैसे बॉम्बे में रहने वाले लोग सब कहते हैं कि अरे दिल्ली स्ट्रीट फूड इज द बेस्ट लेकिन आप तो उल्टा कह रहे हैं कि बॉम्बे स्ट्रीट फूड इज द बेस्ट बॉम्बे स्ट्रीट फूड की बराबरी कोई कर नहीं सकता अच्छा सोशल मीडिया में इन दिनों मतलब मई जून जुलाई इन तीन महीने में सीरियस मैंगो वॉर्स चलते हैं जो नॉर्थ के लोग हैं वो दूसरे आम के बारे में बात करेंगे जो मुंबई वाले हैं वो कहेंगे कि आप उसके के कंपैरिजन में कोई भी आम नहीं है अब मैं ऑब्वियसली गोइंग टू आस्क यू क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, हैं मुंबई ये जो सच्चाई वो सच्चाई है हा? हमारे यहाँ आम का राजा अल्फेंजो आपको कहते हैं और आपस जैसी स्टेज किसी को नहीं तो इतने साल दिल्ली में रहने के बावजूद आपको दिल्ली के आम पसंद नहीं है या नॉर्थ के आम पसंद नहीं, नहीं, नहीं है मैं ये पसंद नहीं, ये भी अच्छे हैं पर नौ? अगर आप क्वालिटी में पूछोगे टेस्ट में पूछोगे तो आप उसके बराबरी कोई नहीं करता ये बता रहा यहाँ के भी अच्छे हैं नमस्कार मैं हूँ मानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी फोर